सम्मान हम जब भी आंखें बंद करते हैं तो आपकी बाहों में हम नहीं सिर्फ अंशिका ही दिखाई देती है। मैं बात करता हूँ, क्या अच्छे घर की है तो उसका कुछ टेलीफोन नंबर होगा, उसके घर में माँ बाप होंगे, उसके घर में क्या बोला था, रिस्पेक्टेबल फैमिली है ना। चल टेलीफोन नंबर दे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ले तुझे करना है अच्छा तो चला। ए मैडम अंदर आने के अभी, चला चला फोन नंबर करा, फोन करके मैं पूछता हूँ कितने शरीफ लोग हैं आप लोग। देखिए देखिए, हम कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, क्या दो दोस्त साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते? कह रहे इतनी बड़ी मुंबई में तुम्हें वही जगह मिली थी दोस्ती करने की और बैठने की, मालूम है कैसी दोस्ती है तुम दोनों की। क्यों रे सियाने, कहां स्लाइस छुई है? देखिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें पूरी आजादी है कहीं पर भी जाने की, आप हमें इसे रोक नहीं सकते हैं, ये अच्छा नहीं होगा। अहिला ये तो बहुत कानून जानती है। ये मैडम अपनी उम्र और सियाने की उम्र देखी है, कितना अंतर है तुम दोनों में, इतने में फांसा इसको। तमीज नहीं है बात करने की, ये कोई तरीका है क्या? आपको दिखता नहीं हम लोग शरीफ लोग हैं? ए मैडम जास्ती बात करने की जरूरत नहीं है, चला फोन नंबर करा। अच्छा मैं कह रही थी देवका बोल भावला साहब, देखिए कुछ देखने दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि तुम्हारे घर वाले आकर तुम लोग को इधर बचाएंगे या तो जो कोर्ट में जाकर तुम लोग का उधर जमानत करवाना होगा, समझे? चलना बता। तक नहीं आई देविका, पता नहीं क्यों आपने उसको परमिशन दे दी, इस घर में मेरी कोई सुनता ही अरे नहीं। उत्तरा प्लीज प्लीज, इस तरह फिक्र करने की बजाय ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दो कि देविका ने अपने आप को बिजी रखने का फैसला किया, घर से बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी, उसका डिप्रेशन भी दूर होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तुम काहे को टेंशन ले रही? टेंशन कैसे नहीं होगी जी, देविका का इंडिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अब तो मुझे अपनी किस्मत पे कोई भरोसा नहीं रहा, और जहां तक मेरे बच्चों का सवाल है मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम्हारा डर अपनी जगह सही होता, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक हद तक ही खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, खुद को संभालने के काबिल हो जाए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं उत्तरा कि जो दिन हमें ऋषभ सम्मान और शरद ने दिखाए, कम से कम देविका हमें उस तरह दुखी और शर्मिंदा न करे। बस इसके अलावा उसके जो जी में आए वो करे। अभी तो कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन आएगा डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आपके बेटे की कंडीशन अभी क्रिटिकल है और कुछ घंटों की ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम आपको सही रिपोर्ट दे पाएंगे। मैं जानता हूं डॉक्टर, मैं जानता हूं, लेकिन इतना भरोसा है मुझे कि मैं यहां से निराश नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है डॉक्टर, और पिछले कुछ घंटों में जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था तो मुझे एहसास हुआ इस दुनिया की सारी दौलत ऐशो आराम उस आदमी के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी संतान पर मुसीबत हो। डॉक्टर एक पिता के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं, भले ही उसके बच्चे की बात समझे या ना समझे। आपके एहसान के लिए मैं आपको जो भी दूं वो कम है, मगर मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर ले। क्या है? ये मेरी नई कार की चाबी है जो आज से आपकी है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना काम किया। लेकिन डॉक्टर प्लीज
मेरे अस्पताल पर लोगों को भरोसा है और यहाँ आए हर पेशेंट को हम एक नई जिंदगी दे पाए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। सचमुच डॉक्टर, आप एक बेहतरीन डॉक्टर ही नहीं, बहुत नेक इंसान हैं। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी काम में आपके आ सकूं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जरूर। बोलिए। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें और बंटी को बहुत मिस कर रही हूँ। हाउ इज माय नॉटी एंजल? तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना मेरे बगैर मैनेज करने में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बंटी अगर तुम्हें मिस करता है तो मैं उसे इमोशनल सपोर्ट दे देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। Liking it. अच्छा लग रहा है मुझे। क्या? मेरे जाने के बाद तो तुम दोनों को मेरी इम्पोर्टेंस पता चली? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है भाई, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम यहाँ होती हो तो कोई ध्यान नहीं देता तुम्हें। Just kidding. अच्छा, घर से कोई न्यूज? I mean, पापा जिस प्रॉब्लम में थे वो सॉल्व हुई, कोई रास्ता निकला उसका? नहीं, पापा के बिजनेस को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब तक तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगा। एक काम करना सिंथिया, समान से कहना कि मैं कह रहा था कि जब वो गोवा से लौटे तो कुछ दिन हमारे यहाँ रह ले, क्योंकि वो काकुल को लेके घर जाने का तो कोई फायदा नहीं है, और मतलब कुछ दिन हमारे यहाँ रह ले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तुम बिलीव नहीं करोगे ऋषभ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारा इन्विटेशन दोनों तक पहुँचा दूंगी, एंड आई होप दैट दे विल कम। You take care of yourself. Miss you. Bye. Bye. तो क्या मांगा तुमने भगवान से? Oh, sorry. पूछते नहीं है ना? कहते हैं अगर पूछ लो तो फिर मांगी हुई इच्छा पूरी नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं, और हमने वही मांगा है जो आपके मन में भी है। अपने घर, अपने परिवार के सुख शांति के अलावा हम और कुछ सोचते भी नहीं हैं। सबने बहुत दुख देख लिए, बहुत दर्द सह लिए, अब बस सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहे, हमने यही कामना की है। तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी। काकुल, हम सबको बहुत कुछ सहना पड़ा है, वो सब कुछ आग के समंदर जैसा था, लेकिन तुम देख लेना इस इम्तिहान के बाद जो खुशियाँ मिलेंगी ना वो सोने की तरह प्योर और बहुत अच्छी होंगी। हे, अरे संध्या दीदी, संध्या दीदी, आप हनीमून कपल इज एंजॉयिंग? अरे आप यहाँ? तुम लोगों से मिलने का मन क्या इसलिए यहाँ आ गए? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि I'm disturbing you guys? ऐसी कोई भी बात नहीं है। और बताओ कैसा लग रहा है गोवा? बहुत अच्छा, गोवा तो बहुत खूबसूरत है, किसी सपने से भी ज्यादा, और अब तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग यही बस जाए। ग्रेट आइडिया। अच्छा, फिलहाल तो मैं इन्विटेशन और प्रपोजल लेकर आई हूँ तुम दोनों के लिए, ऋषभ की तरफ से। इन्विटेशन? ऋषभ चाहते हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना हनीमून टूर कंप्लीट करके सीधा हमारे घर आ जाओ, थोड़े दिन साथ में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक्स, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं काकुल को अपने घर ले जाना चाहूँगा। एक बार give it a thought. चलें? Sure. चलो। और कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है? पता नहीं, आप बताइए। अब तो go to club कब आना? That's very nice. सुनिए, वो देविका ना, देविका अब तक घर नहीं पहुंची,
उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं तो उसकी क्लास खत्म होने में अभी वक्त है, और फिर क्लास में तो मोबाइल ऑफ करके रखा होगा ना, रास्ते में ट्रैफिक भी कितना होगा, वक्त तो लगेगा। तुम क्यों बेकार टेंशन ले रही हो? मैं कुछ कहूंगी तो आप मुझे टोकेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारी देविका किसी मुसीबत में है। ये कॉल कर किसे कह रहे हैं आप? हाँ, इस वक्त तो मैं तुम दोनों से ही बात कर रहा हूँ। आप पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। पुलिस का काम होता है सिटीजन की हेल्प करना, लेकिन आप है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैडम, आप जैसे लोगों की मदद करना नहीं। कितनी बार कहें हम अच्छे घरों से, वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और देख ही रहा हूं कि अभी तक तुम लोगों ने अपने माँ बाप से बात नहीं करवाई। लाओ नंबर, लाओ। आपको नंबर चाहिए ना? आपको मेरे घर वालों से बात करिए, लीजिए करिए लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी फैमिली वाले यहाँ पर आ गए ना, तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो फिर ऐसी हरकत करते ही क्यों हा? कि अपने माँ बापों को मुंह नहीं दिखा सको? ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन याद रखो, अगर आज के बाद पब्लिक प्लेस में रोमांस करते हुए पकड़े गए तो ठीक नहीं होगा, समझे? ओके, चलो निकलो। प्रॉमिस। अब थैंक यू। देविका, आज तुम्हारे कारण क्या क्या नहीं सुनना पड़ा है मुझे। I'm sorry, Devika. I'm sorry? Huh? Okay, calm down now. और प्लीज घर पे फोन तो कर लो। और क्या कहूँ मैं उनसे कि हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं? हाँ? नहीं कुछ और। I mean काफी रात हो गई है, घर पे सब टेंशन में होंगे। हाँ तो होने दो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है डांट सुनने की फोन पर, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और लेके जाओ मुझे बीच पर। I'm sorry, Devika. I've never felt so cheap in my life. वो इंस्पेक्टर क्या कह रहा था वो मुझे? हाँ, जैसे जैसे कि मैं कोई गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, मुझे समझना चाहिए था। I'll be careful. I shouldn't have taken you there. अगली बार ध्यान रखेंगे, okay? अगली बार? क्या मतलब है तुम्हारा देविका? तुमसे मिलना कौन चाहता है? टैक्सी रोको। देविका क्या? टैक्सी रोको मैंने कहा। देविका, देविका बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे तुम? देविका रिलैक्स। पहले दिन तू नहीं जा सकती थी देविका के साथ, एक दिन तू अपनी बहन के खातिर ऑफिस से छुट्टी ले लेती तो फैशन इंडस्ट्री में ताला नहीं लग जाता। मामा बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, छुट्टी नहीं ले सकती थी मैं। अच्छा, घर के प्रॉब्लम से ज्यादा जरूरी था तेरे ऑफिस का काम? उत्तरा, नौकरी करने वाला हर छोटी बड़ी बात पर छुट्टी लेकर घर नहीं बैठ सकता। ओहो, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने ही गलती कर दी। एक माँ की तकलीफ आप में से कोई नहीं समझ सकता, इतनी उम्र हो गई है और मेरी बेटी बिन ब्याही घर में बैठी है, जिसे 10 बार अलग अलग तरीकों से लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, जो सिर्फ अपना घर बसाने की चाह लिए जी रही है। ऐसी लड़की को फुसला कर गलत राह पर ले जाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। भगवान ना करे अगर कल देविका से कोई भूल हो गई तो आप लोग तो मुझे ही दोष देंगे ना। लो देविका आ गई। इतनी देर कहां लगा दी तूने? हम सब कितने परेशान हो गए, इतना भी नहीं सोचा तूने? और ऐसी कौन सी क्लास है जहां पहले ही दिन इतनी रात तक बैठना पड़ता है? अभी तो वो आई है उत्तरा, तुम उसके आते ही शुरू हो गई। कुछ पूछ रही हूं मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही? इतनी देर क्यों हो गई, कहां थी तू?
एक लड़के से मिलने गई थी। अब आवारागर्दी करने। होश? देखा कैसे जवाब दे रही है। देविका बेटा, बेटा हमें फिक्र तो होगी ना, तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, तुम्हारा सेल भी ऑफ पड़ा था। जानबूझकर पापा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप लोग कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। I just wanted to see how much you all trust me. पता चल गया है मुझे, आप में से किसी को भी सरासी खुशी नहीं है मेरे लिए। मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ये भरोसा है ही नहीं आपको? ऐसा नहीं है बेटा। तो और क्या बात है पापा? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं सारा दिन घर में बैठी रहूं, रोती रहूं, पागल हो जाऊं, सारा सी खुशी नहीं दे पाए आप लोग मुझे। As a matter of fact, इस घर से सिर्फ मुझे दुख ही मिला है। और अब मैं कोई कोशिश कर रही हूं अपने आप को खुश रखने की, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ डांट नहीं रही है तुम्हें। इतने दिनों बाद तुम घर से अकेली गई थी ना, तो she was just a little concerned, worried about you. और ट्रस्ट ना करने की कोई वजह ही नहीं, हम सबको तुम पर भरोसा है बेटा, there is no doubt. क्यों होगा भला? क्यों नहीं होगा? बेटी जो हूँ मैं, tell me honestly पापा, अगर इस वक्त आपका कोई बेटा यहाँ खड़ा होता तो क्या आप उस तरह बात करते? नो, नहीं करते आप लोग उस तरह बात। ऋषभ ने चुपचाप शादी कर ली, आप चुप रहे। वो सम्मान काकुल को वापस घर लेके आ रहा है, मगर आप चुप हैं। आप लोगों के बार बार मना करने पर शरद दया से मिलता है, आप कुछ नहीं कहते उससे। तो सब मेरी चाल के पीछे क्यों पड़े? क्यों? मैं लड़की हूं इसलिए, इसने मेरी क्या गलती है कि मैं लड़की हूं? देविका बेटा, इतना ह्यूमिलेशन, ऐसी घटिया बातें। देविका तो बहुत नर्वस हो गई थी, कांप रही थी वो। क्या सोचती होगी कि मिलने के लिए एक ढंग की डिसेंट जगह भी मैं अरेंज नहीं कर सका? तो क्या तेरे साथ फ्रेंडशिप रखने से भी उसने मना कर दिया? आई एम नॉट श्योर, बट बहुत गुस्से में थी वो। और एक बात तो पक्की है कि अगली बार मिलने से पहले 10 बार सोचेगी वो। तो एक काम क्यों नहीं करता, नेक्स्ट टाइम होटल में एक रूम बुक करा ले, कंप्लीट प्राइवेसी। मजाक है यार, तू तो जानता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस, कोई कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है मेरे पास। व्हाट? ये ले एक खाली फ्लैट की की। खाली फ्लैट? किसका फ्लैट है? तुझे इससे क्या करना है यार, तुझे देविका से मिलना है ना, बस हो गया तेरा काम। स्टेट एजेंट होने का यही तो फायदा है मेरे दोस्त। I'm extremely sorry, देविका। विकी, तुम्हें इतना सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, but then I realized कि तुम भी टेंशन में थे। वैसे तुमने बहुत साथ दिया मेरा, तुम्हें भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी ना। तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुमसे प्यार करता हूँ देविका, साथ कैसे छोड़ सकता था? तो कल आओगी ना मुझसे मिलने? जरूर आऊंगी। I love you too, देविका। I love you too.
है जो वहाँ एंजॉयमेंट के लिए गए हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें, वो हंसों के जोड़े को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अब देखिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जीजू, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, झूठ, तुम्हारा शक्ल तो देख नहीं सकते, वरना अभी तो तुम ये कह रही होगी मन में कि जीजू अब रखिए ना, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। बस आप हम इतना ही जानते हैं ना। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं काकू, बस अपना ध्यान रखना तुम।